नमस्कार, जय जोहार जी। छत्तीसगढ़ फिलहाल हूँ दोस्तों मैं कुम्हारी में, और कुम्हारी के बड़े तरिया जो कि बहुत प्रसिद्ध जगह है, और जगह पर मैं भी पहुँचा हूँ। अगर देखिए यहाँ के नज़ारा, यहाँ से अगर देखें और यहाँ स्टॉल लगा हुआ है और यहाँ स्टॉल है, और स्टॉल से अगर दिखाएँ और फूल के किनारे से दिखाएँ तो कुछ अलग नज़ारों के साथ आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। और ये दुकान के स्टॉल पूरा तरह से है, और जो देख रहे हैं पूरी लाइन जो है पूरी दुकान के स्टॉल है जो खाने के लिए सुविधा बनाया गया है। और ये देखिए केक वगैरह इस दुकान से मिलेगा, आप केक यहाँ से सर्वर कर सकते हैं। और आगे में दिखाएंगे यहाँ की वर्जन कुछ अलग नज़ारों के साथ होते हैं। लगभग यहाँ स्टार्ट हो चुका है, और ये है चटोरी, आप खा सकते हैं। और इस पर अभी स्टार्टिंग हो रहा है, और जो कि अब देख रहे हैं यहाँ के मंज़र, अभी यहाँ भी काम चल रहा है देखिए। अब और काम कुछ अभी नया वर्जन और कुछ करने वाला है, जो कि अभी साल 2 तारीख छठों महीना 2023 को इस दुकान मतलब इस बड़े तरीके का उद्घाटन किया गया है। और आगे का मंजर देखिए कुछ नज़ारा आपको। दोस्तों अभी हम लोग ये गुल्फी ले हैं थोड़ा से, और यहाँ दुकान पूरा इंस्टॉल लगता है। और देखिए बिरयानी स्टेप बिरयानी वगैरह का सब चीज़ का यहाँ रखा गया है। और आगे का वर्जन आप देखें तो बहुत ही कुछ नज़ारा दिखेंगे। स्टार्टिंग लगभग 5:30 बजे यहाँ का जो है माहौल चालू हो जाएगा, और माहौल के साथ अभी यहाँ काम चल रहा है, और काम चलने के दौरान आपको थोड़ा आवाज़ में क्लियरिटी नहीं आएगी। और यहाँ देखिए यहाँ पास हो रही है कुछ बच्चे के लिए कुछ झूला है ना, जो कि झूले में आप झूल सकते हैं बिल्कुल। और प्राइस के हिसाब लगभग 50 रुपीज़ है, और 50 रुपये यहाँ का प्राइस। और साथ ही साथ अगर देखें वहाँ पास रेलवे है, जो कि आप वंदे भारत समझ सकते हैं उसको, और वंदे भारत के बराबरी में उस मंदिर का जो है रेलवे स्टेशन है, और वहाँ पर बना स्टेशन, और वहाँ से आप चढ़ेंगे, और वहाँ से चढ़ेंगे बाहर यहाँ की जो है रनिंग आपको कराने का प्रयास करेंगे। और मेरे साथ में मेरे दोस्त, मेरे यार, मेरे मित्र, और यहाँ का आपको वीडियो दिखाने का प्रयास करेंगे दोस्तों। और यहाँ अभी ऐसी चीज़ दिखाऊंगा जो कि यहाँ का मोमेंट कुछ अलग रहता है। और आप देखिए यहाँ पास ग्रीन का जो है लाइनिंग लगा हुआ है, और पानी गीला है, इसी कारण थोड़ा सा ज़मीन है जो गीला हुआ है, और गीला इसी कारण हम यहाँ पास नहीं चल के सूखे जो टाइल्स लगे उस पर चाहिए। और यहाँ देखिए यहाँ पर सेटअप दिखाऊं तो यहाँ म्यूज़िकल फाउंडेशन है ना, म्यूज़िक वगैरह के साथ यहाँ बाइट के साथ यहाँ चलता है, और बच्चे लोगों के लिए भी सुविधा और सभी लोगों के लिए यहाँ सुविधा है। और यहाँ देखिए माहौल अभी कुछ बनने जा रहा है, और माहौल बनने का कुछ नज़ारा अलग दिखता है। और उधर बच्चे लोग सभी लोग उधर सब मस्ती कर रहे हैं, और मस्ती के दौरान आप देख रहे हैं दोस्तों, और हम भी यहाँ का मोमेंट कैप्चर करने आए हैं। और बहुत ही खुश नसीब है जो कि हमें पुनः दोबारा यहाँ आने का मौका मिला, और दोबारा आने के बाद यहाँ का आपको मंजर दिखा रहे हैं। और कुछ मौसम अगर भीगी है और इतना गर्मी है, और गर्मी के साथ बर्फ़ भी गलने लग रहा है, और टाइमिंग के साथ अगर बात करें तो टाइमिंग हम लोग लगभग 2 बजे से पहुँचे, और 2 बजे से यहाँ देख रहे हैं यहाँ के माहौल, और 2 बजे तक यहाँ का कुछ मोमेंट नहीं था, और मोमेंट अब बनने जा रहा है क्योंकि 5:30 बजे स्टार्ट यहाँ पूरे जो सेटअप है वो चालू हो जाएगा। और ये पूरा अगर बात करें तो ये नज़रिया कुछ अलग रहेगी, यहाँ का माहौल कुछ नज़ारे के साथ रहेगी। और ये देखिए और यहाँ का कुछ माहौल ठंडा दशक के साथ, और सभी लोग यहाँ कुछ माहौल बना रहे हैं। और यहाँ के अगर मंजर दिखाएंगे तो वीडियो के माध्यम से आपको बताने का प्रयास करेंगे दोस्तों। तो बिल्कुल हम लोग अभी यहाँ का मोमेंट लेने के लिए आए हैं, और अभी मोमेंट कुछ और समय बचा, उसके बाद आपको पूरा मोमेंट दिखाएंगे। यहाँ का लोग ऊपर में दिखाएंगे, और यहाँ का ऊपर से आपको यहाँ का पूरा बड़े तरीके का नज़ारा दिखाएंगे। और ये एक समस्या यहाँ है कि यहाँ अभी साफ़ सफाई की जो व्यवस्था है वो पूर्ण रूप से नहीं हुआ है, और पूर्ण रूप से इसीलिए क्योंकि यहाँ का जो मोमेंट है बहुत ही अलग तरीक़ा से है, और अलग तरीका बात इसलिए है। और आपको अगर दिखाऊँ तो यहाँ से बड़े तरीके के नज़ारा पूरी तरह से दिखेगा। जो बीच में आप देख रहे हैं उस पर शिव जी की आराध्य है, शिव जी के शिवलिंग बना हुआ है, उस पर शिव जी के मूर्ति बना हुआ है, और मतलब स्केचिंग बना हुआ है। और यहाँ ऊपर मोमेंट अगर देखें तो कुछ नज़ारा अलग है, और ऊपर का नज़ारा अभी मौसम अभी पानी का वो सावन का मौसम है, और सावन के मौसम में आपको यहाँ का मंजर दिखेंगे तो कुछ नया नज़ारा के साथ दिखाई देंगे। और ये पूरा मोमेंट आप देख रहे हैं, और यहाँ से अगर देखें तो पूरी नज़रिया पूरे बड़े तरीके से है। का एक और मोमेंट है जो कि बड़े तरीके लिखा है, तो उसका आगे में और एक ऐसी मंजर है आपको आगे का दिखाएंगे। ये अभी का मोमेंट अगर देखें और चालू हो रहे हैं, और उधर बाइट के साथ गाना बज रहा है, और उधर जो शेर हैं शेर के उसके मुँह से पानी के जो है बहाव चल रहे हैं। और ये मोमेंट देखिए दोस्तों, यहाँ का मोमेंट पूरा अलग तरीका से नज़ारा है। और यहाँ का अगर मोमेंट देखिए पूरी बात करें तो कुछ नज़ारों के साथ अगर दिखाएं कुछ अलग मोमेंट के साथ दिखाई गई थे। और आगे का वर्जन
और गाना के बाइट के साथ यहाँ का जो वर्जन है और जो यहाँ की सिटी है और यहाँ की जो माहौल है घूमने का, गार्डन और गार्डन भी बोल सकते हैं, और बड़े तरिया छत्तीसगढ़ी में बड़े तरिया इस नाम है क्योंकि छत्तीसगढ़ की पहचान छत्तीसगढ़ का धरोहर है, इसी कारण बड़े तरिया का नाम रखा गया है। और यहाँ तालाब बहुत ज़्यादा था इसी कारण इसे नामकरण किया गया और कुछ मोमेंट देखे आगे और आगे का वर्जन कुछ ऐसा है और सब लोग यहाँ पर मोमेंट ले रहे हैं। और यहाँ का मोमेंट अगर देखें तो कुछ अगर उस बार अगर रहें तो बाइक रख सकते हैं उस पर और बाइक रखने की सुविधा बहुत दूर तक भी है और वहाँ से क्रॉसिंग करते हैं और यहाँ पर ये लोग सेल्फी ले रहे हैं, ये लोग सेल्फी ले रहे हैं और ये मेट्रो है अभी बंद है। दोस्तों ये है वंदे भारत जो कि चिल्ड्रन के लिए बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा बनाया गया है और सब लोग यही पास इस मोमेंट के साथ। ये रेलवे स्टेशन है यहाँ के रेलवे स्टेशन और यहाँ के कुम्हारी का रेलवे स्टेशन आप देख सकते हैं और कुछ मोमेंट के साथ कुछ नज़ारा अलग है और इधर और एक पूरा नज़ारा और पूरा मोमेंट अगर दिखाना चाहें कुछ अलग। दोस्तों ये देख रहे हैं बड़े तरीके के साथ में वंदे भारत और वंदे भारत ये वंदे भारत है और वंदे भारत का रेलवे स्टेशन यहाँ पास है और जो कि यहाँ पास पैसेंजर चढ़ते हैं उसके बाद यहाँ की रनिंग घुमाकर और यहाँ का ट्रेवलिंग कराया जाता है और ट्रेवलिंग कराने के बाद दो या तीन बार यहाँ का सर्विस किया जाता है और बेस्ट सर्विस के साथ आपका मोमेंट को अपने माइंड फ्रेश करने के लिए इस जगह पर आ सकते हैं। और आगे में देखे यहाँ पास है टिकट काउंटर, वहाँ से टिकट बाई करना रहता है और बाई करने के बाद और यहाँ है एक झूला जो कि खतरनाक झूले के साथ एडवेंचर पार्क की तरह है। एडवेंचर पार्क में आप देख सकते हैं डांसिंग वाला जो है जो ग्रुप वाला बना है और डांस ग्रुप के साथ जो मोमेंट हो रहता है कुछ अलग नज़ारे के साथ रहे और ये बाइट के साथ पूरा गाना बज रहा होगा आपको क्लियर सुनाता होगा। और ये देखिए और यहाँ का मोमेंट अगर देख रहे हैं दोस्तों तो ये आप जो है नज़ारा है आगे का वर्जन और ये देख लग सभी लोग यहाँ पर ट्रेवलिंग कर रहे हैं और अगर ट्रेवलिंग अगर बच्चों के लिए बहुत ही खास एडवेंचर पार्क की तरह है और एडवेंचर पार्क यहाँ से टिकट बाय किया जाता है और टिकट बाय करने के बाद ये जो मोमेंट है आप इस मोमेंट के साथ बच्चे को अपने आज की जो मोमेंट है आप दिखा सकते हैं और आगे का वर्जन है और ये कार बैटिंग है और यहाँ पर कार की जो लाइटिंग है और ये पूरा मोमेंट और ये मोमेंट आप देख रहे हैं ये पानी वाला जो है बच्चों के लिए डांसिंग के साथ और यहाँ का पूरा मोमेंट अगर देखें तो बड़े तालाब की एक नज़रा और बड़े तालाब की कुछ खास बात होती है और ख़ास बात को आप चर्चित के साथ आप देख रहे हैं और ये इस मोमेंट को आप देख ये पूरा मोमेंट अगर देखें तो कुछ नज़ारा अलग है और यहाँ का पूरा मोमेंट पूरे बड़ी तरीक़ा से और बड़े शानदार तरीक़ों से यह है और ये पूरा एडवेंचर पार्क की तरह है। सीधा ये अगर देखें तो ये पूरे एडवेंचर पार्क है और एडवेंचर पार्क के साथ जो ग्रीन को जो लगा है वो मोमेंट है आपको दिखाएंगे और यहाँ मोमेंट पर एक बहुत मंजर के साथ आपको दिखाएं तो कुछ नज़ारा अलग है और इस चीज़ आपको दिखा रहे हैं दोस्तों। और यहाँ गैस की जो पासिंग हो रही है वहीं से हो रही है और यहाँ पास पूरा मोमेंट है और इस बड़े तालाब के साथ कुछ सौंदर्य यहाँ के जो लोकार्पण की है तो यहाँ पास लोकार्पण लिखा है जिसका मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी यहाँ आए थे और शिव कुमार डहरिया और मोहम्मद अकबर और जो कि कवर्धा के विधायक थे और मंत्री भी थे। और ये पूरा देखिए यहाँ का नामकरण इस नामकरण में दर्शाया गया है पूरे और यहाँ के जो मोमेंट अगर देखें तो आगे की ये मंजर और ये है बड़े तरिया जो कि आप देख रहे हैं बड़े तरिया के जो सीन है यहाँ पास फ़ोटो लेने की जो जगह होती है यहाँ पास फ़ोटो लेते हैं और फ़ोटो लेने का नज़ारा कुछ मंजर अलग रहता है। और ये देखिए ये पूरा इधर पूरे दुकान के स्टॉल लगे हुए और दुकान के स्टॉल लगने के बाद यहाँ का जो मोमेंट है अलग रहता है। और आगे मैं एक ऐसी चीज़ दिखाऊंगा जो कि एक मोमेंट है और इस मोमेंट के साथ ये है और ये पूर्व विधायक का जो लोकार्पण जो लगे हैं उन पर ये चीज़ जो कि भूपेश बघेल जी का यहाँ लोकार्पण का जो आए थे तो वहाँ पर गमेविक जो कि ऊट पिस्ता को जो कि जिस दिन मोमेंट था उस दिन का जो यहाँ पास लिखा है वो डेट यहाँ पास लिखा हुआ है आप देख सकते हैं इस डेट को और डेट के साथ आप देख सकते हैं और ये पूरा मोमेंट आप देखें और कुछ नज़ारे और मेरे दोस्त सभी लोग वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब बिल्कुल करिएगा दोस्तों। फिर मिलते हैं न्यू वीडियो में, जब तक के लिए राम राम जय जोहार। तो परदेसी मैं ना जुल्म हो गए का दिल के बनमा मैं तोला बैठाए।